आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रमेश कुमार है। रमेश जी, आपके पास कंप्लेंट आया था पिंकी देवी का, क्या था कंप्लेंट? वो कंप्लेंट उसका ये था कि उसका जो नॉमिनेशन पेपर था काउंसलर के लिए लाडूसराय वार्ड से, वो रिजेक्ट किया गया था। वो रिजेक्ट इस ग्राउंड पे किया गया उन्होंने कि भाई इसका जो कास्ट है शेड्यूल कास्ट, वो जो दिल्ली में शेड्यूल कास्ट नहीं है लिस्ट में इनके, में इस ग्राउंड पे इसको रिजेक्ट किया गया। आपने किस तरह से इसको फाइट किया और क्या क्या एविडेंस लेकर? मैंने इसके लिए किस फाइट किया कि दिल्ली गवर्नमेंट का एक कमेटी बनी थी, चंद्रन सिंह कंडेरा कमेटी, 2005 में चरण सिंह कंडेरा जी विधायक थे नरेला से, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। तो उन्होंने इस इशू को रेज किया कि भाई जो शेड्यूल कास्ट माइग्रेटेड शेड्यूल कास्ट जो दिल्ली में आ रहे हैं, वो लोग बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं, उन लोगों को कोई सुविधाएँ नहीं मिलती यहाँ पे एज ए रिजर्व। तो उन्होंने इशू को रेज किया, तो उन्होंने कमेटी ने डिसाइड किया कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं 5 साल से, या दिल्ली में पढ़ रहे हैं, या दिल्ली में जिनका बर्थ हुआ है या सर्विस कर रहे हैं, तो उन लोगों को सबको वो सारी सुविधाएं दी जाएगी। तो उस कमेटी की सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी करी, मंजूर करके उन्होंने डायरेक्शंस अपने जो कंसर्न डिपार्टमेंट थे सारे, जो लीगल डिपार्टमेंट है इनका और सर्विस बोर्ड जो है दिल्ली का, उन सबको डायरेक्शन दी, और अपने जितने भी इनके कमिश्नर्स हैं SDMs हैं उन सबको डायरेक्शन दी कि इनके अब कास्ट सर्टिफिकेट भी एज एन ओरिजिनल दिल्ली के इशू करे जाएं, और दे आर एंटाइटल फॉर ईच एंड एवरी बेनिफिट एज ए शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट एज दे आर गेटिंग इन देयर ओन स्टेट। उसके बाद जो कोर्ट का फैसला आया जी, तो कोर्ट का क्या फैसला आया? कोर्ट का फैसला ये आया कि उससे पहले एक जजमेंट है 2005 का एस पुष्पा करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें उस डिसीजन में भी ये डिसाइड किया कोर्ट ने कि जो भी माइग्रेटेड शेड्यूल कास्ट हैं और जो यूनियन टेरेटरी में आएंगे, दे विल बी बेनिफिटेड फॉर ऑल द रिजर्वेशन बेनिफिट्स। उसके बाद एक जजमेंट और दिल्ली हाई कोर्ट का फुल बेंच का, दीपक कुमार वर्सेज सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उसने भी दिल्ली हाई कोर्ट ने फुल बेंच ने इस चीज़ को पुष्पा को जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट को मानते हुए ये डिसाइड किया, और ये उनके फेवर में डिसीजन दिया कि भाई जो माइग्रेटेड SC ST के कैंडिडेट हैं उन लोगों को यूनियन टेरिटरी में सारे के सारे बेनिफिट दिए जाए, एंड दे विल बी ट्रीटेड एज ए मेंबर ऑफ दैट स्टेट। जो सिटिंग कैंडिडेट हैं अभी फिलहाल, उनके लिए भी कोई आदेश आया है? उनके लिए आदेश आया है कि ये भाई वो उनका क्या बोलते हैं इलेक्शन जो जीता है वो कैंसिल किया जाए, वाइड है वो गलत है उसको कैंसिल किया जाए। उनके लिए डायरेक्शन ये है कि वो आज के बाद में किसी भी तरीके की किसी मीटिंग में किसी भी फंक्शन में कोई बिजनेस एज ए काउंसलर नहीं कर सकती, सी कैन नॉट यूज हर इवन नेम एज ए काउंसलर। तो क्या इस लड़ाई को आपको लगता है कि यहीं पे खत्म होगा या फिर वो हाई कोर्ट भी जा सकता है? इस लड़ाई में कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी है स्टेट इलेक्शन कमीशन को, रिटर्निंग ऑफिसर्स को और दिल्ली MCD को कि ये इलेक्शन दोबारा से करवाएं।